हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। क्या रॉकेट इंजन अपने अंदर से निकलती हुई गैसेस की मदद से आसपास की हवा पर दबाव डालकर सतह से ऊपर उठते हैं? ना जी ना, ये तो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आज से कुछ साल पहले एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत भी इसी सवाल से हुई थी, और आज स्पेसएक्स कहां है सबको पता है। देखो भैया, जेट इंजन बहुत तेज रफ्तार से गैस को पीछे की तरफ फेंक कर आगे बढ़ता है, और अपना रॉकेट इंजन भी गैस को पीछे फेंक कर आगे बढ़ता है। पर समस्या ये है कि कोई चीज बिना किसी चीज को पीछे धकेले आगे कैसे बढ़ सकती है? आओ समझाता हूँ। आम तौर पर हम चीजों को कैसे चलाते हैं, माँ की झाड़ू पर मत जाना वो एक्सेप्शन है, उसका खौफ और उसकी रेंज बहुत दूर से काम करा सकती है। तो यहाँ पर हम एक्सेप्शंस को काउंट नहीं करने वाले, आम तौर पर हम चीजों को धक्का देकर चलाते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाओगे कि हमारे द्वारा लगाई गई फोर्स और गाड़ी के चलने की दिशा दोनों एक ही है। अरे वाह वाह वाह, अपने को समझ में आ गया, ज्यादा उछल कूद मचाने की जरूरत नहीं है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। यहाँ पर ये बात भी नोट करने वाली है कि इस गाड़ी को चलाने की ताकत बाहर से उत्पन्न की गई है। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? भाई साहब, ये फिजिक्स है, हर चीज से फर्क पड़ता है। अब अपने खुरापाती दिमाग में ख्याल आ रहा है, क्यों ना इस गाड़ी के ऊपर हम बैठ जाएं और तब इसे चलाने की कोशिश करें। और ये लो जी, दीवार को धक्का देकर हमने गाड़ी को चला लिया, लेकिन इस बार हमारे द्वारा लगाई गई ताकत और गाड़ी के चलने की दिशा दोनों अलग अलग है, जिसके लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं न्यूटन चचा के द्वारा बनाए गए मोशन के तीसरे नियम को, यानी लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो दीवार ने वापस उतनी ही ताकत इस पर लगा दी, और क्योंकि ये गाड़ी पर बैठा हुआ था तो इसके साथ साथ वो ताकत गाड़ी पर भी लग गई और चल पड़ी अपनी गाड़ी आगे की तरफ। चलो जी, ये दीवार तो रुकी हुई थी एक जगह, पर अगर इस दीवार के नीचे पहिए लगा दिए जाए तो क्या तब भी न्यूटन का नियम काम करेगा? चलो पता करते हैं। हाँ जी, न्यूटन का नियम तब भी काम करेगा, लेकिन यहाँ पर हमने दीवार को धक्का देकर अपनी गाड़ी को चलाया, पर एक रॉकेट किस पर धक्का लगा रहा है? और बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वीडियो के शुरुआत में तो मैंने ये कहा था कि रॉकेट अपने एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैसेस से आसपास की हवा पर धक्का नहीं लगाता, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बिना किसी चीज को धक्का दिए हमें चलानी है अपनी गाड़ी। अगर मैं रेत के कुछ बोरों को इस गाड़ी पर रख दूं और बैठकर उन्हें एक एक करके फेंकूं तो भी अपनी गाड़ी चलती है। अगर आप ध्यान से देखो तो बोरों को फेंकने वाला इंसान, गाड़ी और बोरे तीनों एक ही सिस्टम का पार्ट है, यानी किसी भी भारी चीज पर कोई भी ताकत नहीं लगाई जा रही, लेकिन फिर भी गाड़ी आगे की तरफ चल रही है। लेकिन न्यूटन का नियम अभी भी काम कर रहा है, हमारे द्वारा किया जाने वाला एक्शन ही रिएक्शन फोर्स को जनरेट कर रहा है। इन रेत के बोरों का मास तो बहुत ज्यादा था, क्या हो अगर हम हल्के मास की किसी चीज की मदद से इस गाड़ी को चलाएं, जैसे कि हवा। अगर एक सिलेंडर में हवा को भरकर इस गाड़ी पर रख दिया जाए तो क्या उसकी मदद से ये चलेगी? आओ पता करते हैं। अरे वाह, अपनी गाड़ी तो चल पड़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस की मदद से चीजों को धक्का दिया जा सकता है। अब अपने को मोटा मोटा आइडिया लग गया है कि रॉकेट और जेट इंजन बनाने के लिए बस हमें किसी तरह बहुत तेज रफ्तार की गैसेस को रॉकेट और जेट इंजन से निकालना है। लेकिन आ गई एक नई समस्या, वो कौन सी चीज होगी जो इतनी तेज रफ्तार से जेट इंजन से गैसेस को बाहर फेंक सके? तो इस काम के लिए बनाएंगे हम एक जुगाड़, जिसमें लगाएंगे कंप्रेसर, एक बर्निंग चेंबर, जिस चेंबर में लगे होंगे फ्यूल इंजेक्टर, और लास्ट में जोड़ेंगे टरबाइन को, और ये सारी चीज इकट्ठा होकर बनाती है जेट इंजन। अब जैसे ही इंजन चलेगा तो कंप्रेसर बहुत तेज रफ्तार से हवाओं को अंदर खींच लेगा, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे घूमते हुए पंखे के ब्लेड धुएं को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब ये हवा कंप्रेस होने के बाद बर्निंग चेंबर में जाती है, जहां पर फ्यूल इंजेक्टर की मदद से मिलाया जाता है इसमें जेट फ्यूल, और अब बारी है धमाके की। अरे मतलब इंजन नहीं उड़ाना है, बस आग जलानी है। अब बर्नर की सहायता से इस फ्यूल में लगाई जाती है आग, और आग लगते ही इसके अंदर गैसेस का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है। अब यही गैस का वॉल्यूम भगाएगा अपने जेट इंजन को। चलो इसे भी एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक टेस्ट ट्यूब लो और उसके अंदर माचिस की एक तिल्ली को डालकर लगा दो उसमें कॉर्क, और लगा दो उसके नीचे पहिए। अब लो एक मैग्नीफाइंग ग्लास और सूरज से आने वाली रोशनी को कंसंट्रेट करके जलाओ उस माचिस की तिल्ली को। जैसे ही माचिस की तिल्ली में आग लगेगी, टेस्ट ट्यूब में लगी हुई कॉर्क बाहर निकल जाएगी और चल पड़ेगी अपनी टेस्ट ट्यूब आगे की तरफ। पर ऐसा क्यों हुआ? आओ समझाता हूँ। जब माचिस की तिल्ली जली तो उससे पैदा हुई बहुत सारी गर्म गैसेस, जिन्होंने इस टेस्ट ट्यूब की दीवार पर लगाई बराबर रूप से ताकत। लेकिन टेस्ट ट्यूब के अंदर लगने वाली एक्शन फोर्सेस के विपरीत दिशा में रिएक्शन फोर्स भी बराबर रूप से लग रही है, और सब कुछ बैलेंस में है। लेकिन जैसे ही कॉर्क बाहर निकलती है तो एक्शन फोर्स हो जाती है अनबैलेंस। अगर आप ध्यान से देखो तो ट्यूब के साइड में लगने वाली एक्शन फोर्स अभी भी बैलेंस है, लेकिन ट्यूब के एक साइड पर लगने वाली एक्शन फोर्स को बैलेंस करने वाली रिएक्शन फोर्स कॉर्क के निकलते ही हट गई है। यानी फॉरवर्ड एक्शन फोर्स को बैलेंस करने के लिए बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स अब नहीं है, और यही फॉरवर्ड एक्शन फोर्स ट्यूब को आगे की तरफ धकेल देगी। मोटा माटी मतलब ये निकला कि जेट इंजन में एक अनबैलेंस एक्शन फोर्स ही आगे की तरफ मोशन क्रिएट करती है, ना कि रिएक्शन फोर्स। लेकिन सिर्फ एक्शन फोर्स ही अनबैलेंस नहीं हुई है, बल्कि रिएक्शन फोर्स भी अनबैलेंस हो गई है। टेस्ट ट्यूब के बाहर लगने वाली रिएक्शन फोर्स को बैलेंस करने के लिए कॉर्क की साइड से लगने वाली
रिएक्शन फोर्स अब नहीं रही, तो अब ये रिएक्शन फोर्स इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भरी हुई गैसेस को बाहर धकेल देगी, लेकिन साइड में लगने वाली फोर्स अभी भी बैलेंस है, इसीलिए टेस्ट ट्यूब सिर्फ आगे की तरफ ही मूव करेगी। अब ठीक इसी तरह से जेट इंजन से बाहर निकलने वाली बहुत तेज रफ्तार की गैसेस इंजन को आगे की तरफ धकेल देंगी, लेकिन रास्ते में पड़ेगी टरबाइन और ये गैस बना देंगी अब इसकी फिरकनी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में फिरकनी ही बनाएंगी। जैसे कागज की फिरकनी पर हवा मारने से वो बहुत तेज घूमती है, ठीक उसी तरह से गैस टरबाइन भी बहुत तेज रफ्तार में घूमेगी और इस टरबाइन से एक शाफ्ट सीधा कंप्रेसर डिस्क से जाकर जुड़ी होगी, यानी कंप्रेसर को भी चलाने की ताकत जेट इंजन से निकलती हुई गैसेस से ही मिल जाती है। एक जेट इंजन हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अपने फ्यूल को जलाता है, इसीलिए वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर नहीं उड़ सकता, पर एक रॉकेट तो एटमॉस्फेयर के बाहर जाता है, इसीलिए रॉकेट इंजन अपने साथ ऑक्सीजन भी लेके जाता है। उदाहरण के लिए डायग्राम देखो, इस रॉकेट में एक टैंक में ऑक्सीजन और दूसरे में फ्यूल भरा है, जिसे ठीक कंबस्टन से पहले मिलाया जाता है और फिर निकलती है बहुत तेज रफ्तार की गैसेस, जो देती है इस रॉकेट को ऊपर उठने की लिफ्ट और चल पड़ा अपना रॉकेट। एक मजे की बात सुनो, रॉकेट से निकलने वाली गैसेस की रफ्तार जेट इंजन से निकलने वाली गैसेस से बहुत तेज होती है, और इसके लिए हमने कोई पंखा नहीं लगाया है, बल्कि इस घोटाले के पीछे हाथ है ऑक्सीजन का। हाँ जी, यहीं से आ रही है सारी ताकत। एक उदाहरण से समझो, ये है ऑक्सीजन और एसिटिलीन की गैस टॉर्च, और इस समय इसके फ्यूल को एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन की मदद से जलाया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब ठीक है, पर जरा सोचो, अगर हम इस टॉर्च में प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई चालू कर दें तो क्या होगा। चलो इस एक्सपेरिमेंट पे भी हाथ साफ करते हैं। प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई देते ही अपने टॉर्च से निकलने वाला फ्लेम आ गया है जोश में। अब यहाँ पर प्योर ऑक्सीजन ने फ्यूल के जलने की गति और उससे निकलने वाली ऊर्जा को बहुत बढ़ा दिया है, और अपने को यही तो चाहिए था। पर कुछ रॉकेट में तो सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन्हें उनकी ऑक्सीजन कहाँ से मिलती होगी। दिवाली के रॉकेट तो उड़ाए होंगे, वो भी तो सॉलिड फ्यूल पे काम करते हैं। एक उदाहरण से समझो, यहाँ पर हम चारकोल और सल्फर को पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिला रहे हैं, मतलब तीन सॉलिड का मिक्सचर। अब अपने पोटेशियम नाइट्रेट में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है, और इन तीनों के मिक्सचर को ही गन पाउडर कहा जाता है, और इस गन पाउडर को इलेक्ट्रिकली इग्नाइट किया जा सकता है। अब आज के मॉडर्न रॉकेट में गन पाउडर का इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन उससे बेहतर विकल्प हमारे पास मौजूद है, और यही केमिकल फ्यूल और ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है, अगर हम ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल करें तो रॉकेट की ताकत बढ़ जानी चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा करने से रॉकेट का वजन भी बढ़ जाएगा, तो इस समस्या को कैसे दूर करें, क्योंकि अगर इस समस्या को दूर नहीं करा तो ये ऊपर जाते हुए रॉकेट की रफ्तार को घटा देगी और हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो इस काम के लिए बहुत सारे रॉकेट इंजन को एक के ऊपर एक लगाकर इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम रॉकेट स्टेजेस के नाम से जानते हैं। अब सबसे नीचे वाला रॉकेट इंजन सबसे पहले चलाया जाता है, और उसके फ्यूल खत्म होने के बाद वो रॉकेट से अलग हो जाएगा और दूसरा इंजन स्टार्ट होगा। अब इस तरह से रॉकेट का ओवरऑल वजन भी घट जाएगा और उसे जरूरी रफ्तार भी मिल जाएगी। जेट्स और रॉकेट इंजन बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, लेकिन इनका वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल एक बेसिक से सिद्धांत पर काम करता है, और वो सिद्धांत हमें दिया था न्यूटन चाचा के मोशन के थर्ड नियम ने, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। चलो बस इतना ही प्रवचन देना था। हर पल तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।